गाइस धूप बहुत ज्यादा हो रही है, पैदल जा रहा हूँ मैं अब क्योंकि रिक्शा तो मिल नहीं रहा था। गाइस अभी आ गए हैं भाई के पास फ्री का चाप पेलने। थैंक यू भैया। सर कैसा लगा आपको? सर अभी तो टेस्ट तो करने दो सर। ये बड़ी आलू भुजिया। सो हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस सभी को। और अभी अभी मैं उठा हूं फ्रेश होके और अभी अभी व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और पुराने वाले मतलब इससे पहले वाले व्लॉग के एडिट भी नहीं करे मैंने अभी तक, एडिट करेंगे अभी कहीं जा रहा हूं मैं। ठीक है तो चलो पहले चलते हैं, कुछ काम है। ठीक है एक भैया के घर जाना है जिसमें पहले भी गए थे हम सुबह सुबह, तो आपने देखा होगा पहले व्लॉग। तो और गाइस ऐसे सपोर्ट करते रहो थोड़े बहुत, मतलब इससे पहले से पहले वाले व्लॉग में थोड़े ठीक ठाक व्यूज आए हैं तो उसको शेयर वगैरह कर देना, थोड़े और देख लेना इंप्रेशन ताकि और ज़्यादा चले जाए उसके। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सपोर्ट करो, कमेंट वगैरह करते रहना ठीक है, ताकि थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ मैं भी, क्योंकि यार ऐसे मतलब कमेंट आते हैं आपके पढ़ के ऐसा अच्छा लगता है, तो मैं रिप्लाई भी सबके दूंगा ठीक है, देता ही हूँ मतलब जितने भी आते हैं, आते ही तो बहुत कम आते हैं। चलो गाइस चलते हैं पहले से ला। चलो धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है, ये देखो वहाँ से जाएंगे गाइस, वहाँ से उस वाले रोड से। गाय बैठी है गाइस, गाय गाय जो काम था वो तो हो गया, पर यहाँ से रिक्शा मिलना मुश्किल है भाई साहब, बहुत धूप में खड़ा हूँ मैं। भाई धूप बहुत ज्यादा हो रही है, पैदल जा रहा हूँ मैं अब क्योंकि रिक्शा तो मिल नहीं रहा था, तो पूरा मतलब पसीना पसीना हो गया था, अभी पहुंचा है मैंने, तो चलते हैं घर डायरेक्ट। अब यार बहुत ज़्यादा पसीना आ गया भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी भाई यहाँ, बहुत ज़्यादा, मैं इतना चल के आ रहा हूँ देख रहे हो, अभी पसीना पहुँचा था फिर से आ गया गाई साहब, चल रहा हूँ भाई इतनी देर से, धूप देख रहे हो पीछे भाई साहब, ऐसे टाइम पे लगता है कि अपने पास भी स्कूटी बाइक कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए थी। तो गाइस फोन का चार्ज भी खत्म हो गया, तो डायरेक्ट घर पे मिलूंगा मैं आपको, थोड़ा सा और चलना है बस आई का घर। सो गाइस मैं घर पे आ ही गया था कि फिर से नीचे जाना पड़ा, मेरे को पापा ने बुलाया था दुकान पे, तो कुछ काम था तो कपड़े लाने थे तो मैं ले आया हूँ, और नान भी लाया हूँ साथ में देख रहे हो, तो मैं गया था नीचे तो सोच रहा था ले आता हूँ, भूख भी लगी थी काफी ज्यादा क्योंकि सुबह ही खाना खाया था, बने बजाय दोपहर में, तो अभी खाता हूँ फटाफट, उसके बाद एडिटिंग भी नहीं करी अभी। और भाई उस रोड से मैं पैदल चल के आया हूँ अकेला, और वहाँ अकेला भाई कोई भी पकड़ के कुछ छीन छान लेता भाई कुछ पता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वैसे लोग रहते हैं समझ रहे हो ना। थोड़ा तो अभी फिलहाल खाते हैं, अभी सेफ घर पर पहुँच गया हूँ मैं, फिलहाल खाते हैं फटाफट, बहुत तेज भूख भी लग रही है अब ठीक है, तो चलो गाइस खाते हैं। ये देखो भाई इतनी मेहनत करने के बाद अब मैं खाऊंगा, और उसके बाद वीडियो भी एडिट करनी है ब्लॉग, और अभी तक डाला भी नहीं है, 11:30 बज चुके हैं, तो फटाफट खा के एडिट करता हूँ। चलो सो गाइस दोपहर हो चुकी है फाइनली, मतलब मौसम कुछ ज्यादा अच्छा हो रहा है आज, बढ़िया मौसम हो रहा है, धूप बहुत कम ही है, मतलब है ही नहीं धूप तो बिल्कुल कम है। तो गाइस अभी एडिटिंग कर रहा था मैं, जब से खाने पीने के बाद नहा धो के एडिटिंग करने लग गया था, बिकॉज नहा लिया जल्दी से क्योंकि आज हेडफोन्स वगैरह लगाने होते हैं, मतलब वैसे तो मैं इस टाइम तक नहाता हूँ क्योंकि एडिटिंग करने के बाद, तो आज ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी, तो नहा के फिर हेडफोन्स लगाए तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, बाकी तो लगाता तो पसीना ही पसीना हो जाता ठीक है। तो गाइस फिलहाल अभी दीदी ने पिज्ज़ा ऑर्डर किया है, दीदी मतलब दीदी खिला रही हैं आज ठीक है, तो मतलब कभी कभी खिला देती हैं दीदी, तो होता रहता है कभी कभी। तो गाइस अभी ऑन द वे है, मतलब आ रहा है पिज्ज़ा ठीक है, तो अभी थोड़ा वेट करते हैं भाई, मजा आ जा। चलो गाइस ठीक है अभी वेट करते हैं, एंड दिखाता हूँ मैं चल के कहाँ तक पहुँचा। आई मैं इस वाले रूम में यहाँ के ज़्यादातर शूट करता हूँ, बिकॉज वहाँ पर पापा मम्मी सो रहे, कूलर चल रहा है और आवाज़ आएगी फिर, तो ये वाला रूम है कुछ, तो ये बहुत जल्दी ही, ये देखो ऊपर दीवार में टच कर देता हूँ इसे, टच कर दिया। चलो बाहर चलते हैं गाइस, इस वाले रूम में अभी मतलब अभी के लिए एक खतरा है, बिकॉज अभी जब ये अच्छे से रिपेयर हो जाएगा पूरा जब, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो यहाँ पर ना कीले हैं नीचे, तो हम मतलब पहले भाई भी आया था एक बार, मम्मी भी आई थी, तो मम्मी के भाई साहब कील मतलब थोड़ी सी लग गई थी यहाँ पर कोई चीज़ की, और भाई के भी पूरे चप्पल के आर पार हो गई थी, तो थोड़ा सा इसमें देख के चलना पड़ता है। तो अभी फिलहाल हमारा अभी है नहीं, हम इसको ले लेंगे जब ये अच्छे से बनवा के दे देंगे जो यहाँ के ऑनर है ठीक है, तो अभी देखते चलो अच्छा सा बनवा देंगे तो हम ले लेंगे, बाकी खाली पड़ा है अभी खुला हुआ है, तो मैं इधर आके वीडियोस वगैरह बना लेता हूँ ठीक है। तो चलो क्योंकि एक ही रूम है ना हमारा वहाँ पर, ये देखो भाई कितने तगड़े कील निकले हैं, ये घुसता ही भाई साहब देखो, ओ भाई इसलिए यहाँ पर कोई ज़्यादा आता नहीं है, और आते हैं तो भाई संभाल के आना पड़ता है, मैं ही आता हूँ यहाँ तक। गाइस मस्त हवा चल रही है देख रहे हो, यार बोलते ही हवा चल गई, देख रहे हो यहाँ पर भी हवा हवा,
पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को देखो गाइस। चलो गाइस थोड़ा वेट करते, पसीना अभी आ रहा है क्योंकि अंदर था मैं। चलो अभी चलते हैं अंदर, देखो कूलर चल रहा है। जोमेटो से कॉल आ गया गाइस, जल्दी नीचे भैया उठाते चलो। हेलो, हाँ कहाँ पर हो भैया? जसिम जी, अरे बाप रे, मम्मी सो रही है। गाइस दीदी ने और पैसे दे दिए तो पेप्सी भी ले लिए, कुछ कोक ले लेंगे। चलो सब ले लिया है गाइस। अरे साइड से भी लगा हुआ, अरे कितना पैकिंग करके देते हो बे, टेप बर्बाद ये देखो, प्लास्टिक बर्बाद करते गाइस ये लोग, और फिर ये लोग सेव अर्थ कर रहे हैं। कुलाओ रे चक्कू, कहाँ है? कट गया गाइस, और खुलेगा 10 3 2 3 2 1 टेन टेने टेन टेने टेने टेने। चलो गाइस खाते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपको, ठीक है? अरे मैं तो भूल गया, एक तो दीदी को भी देना है, मैं खुश हो जा रहा हूँ कि दोनों खाएंगे। पसीना बहुत आ रहा है गाइस, धूप की थोड़ी सी मौसम की तारीफ क्या करती है यार, देखो धूप निकल के आ गई, बताओ धूप आ गई गाइस, बताओ। थोड़े दीदी को दे आते हैं एक पूरा और एक खाएंगे नीचे वाला हम। चलो गाइस सो गाइस रात हो चुकी है भाई, 8 बज गए हैं और मैं पिज्जा विज्जा खाने के बाद सो गया था थोड़ी देर, फिर उसके बाद उठ के और भाई 8 ही बज गए। मैंने व्लॉग व्लॉग बनाया नहीं, दिन में कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए, तो अभी मैं देख रहा था फिलहाल व्लॉग, ठीक है? तो और अगर व्लॉग देख के थोड़े आइडिया आते तो अपने में भी क्या करना है। तो मतलब मैं दिन में तो कुछ बनाया नहीं, मैंने कहीं बार बार भी जाते तो अच्छे व्लॉग बनते, दर्शन भी चले गए हैं हरिद्वार, मतलब गया था वो अभी ऋषिकेश में, तो अभी आ जाएगा वो भी मंडे तक, ठीक है कल आ जाएगा। तो आज उसका आखिरी दिन है वहाँ पर, 2 दिन के लिए गया था, मतलब उनके किसी मतलब भतीजा या भतीजी थी उनका मुंडन, मतलब बुआ की, जो क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, मतलब बुआ के बेटियाँ बेटियाँ उनको मतलब मुंडन करवाना था, तो मेरे को पता नहीं इतना, दर्शन देख रहा है तो भाई गाली मत दियो, ठीक है? तो भाई क्या होता है कि मतलब ये इतना मेरे को पता नहीं है, ठीक है? तो गाइस अभी चलते हैं बाहर, और पंखा इसलिए बंद कर रखा है बिकॉज अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आवाज़ वगैरह अच्छे से नहीं आएगी। चलो फिलहाल बाहर चलते, चलो गाइस पहले गली में देखते हैं क्या चल रहा है भाई। अरे 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 यार, झाड़ू कौन रख देता है बीच में? गली में बच्चे खेल रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो, और नीचे बिल्कुल खाली है भाई, बिल्कुल खाली। चलो चलते हैं फटाफट, दुकान पे आया था मैं, मम्मी व्लॉग देख रही हैं हमारा ही व्लॉग, गाइस फेमस हो जाएंगे क्या हम? चलो ये देखो गाइस, ये कोट वगैरह प्रेस कर रहे हैं, स्टीम प्रेस है गाइस ये, स्टीम प्रेस कैसे नहीं, हाँ हाँ स्टीम प्रेस ही बोल रहा हूँ, तो चलाना है। अरे भाई इसमें से वो निकलता है, स्टीम निकलती है बाप। तो हमारी मतलब ड्राई क्लीन की शॉप है तो उसके साथ साथ ये भी करके देते हैं ना, तो अभी कर रहे हैं पापा, अभी चलते बाहर, मम्मी ब्लॉग देख रहे। अभी धनिया वनिया लाना है पता नहीं, और अभी लेने जा रहा हूँ मैं क्योंकि पापा तो आज गए नहीं। हरी मिर्ची, धनिया, हरी और लहसुन, लहसुन 10 रुपए का ले लियो, और हाँ वहीं जा रहा हूँ, हाँ मैं ले लूँगा, ठीक है धनिया हरी मिर्च और लहसुन। चलो गाइस थोड़े थोड़े ले आते हैं क्योंकि पापा एक बार में ज़्यादा ले आते हैं, तो अभी थोड़ा ही चाहिए एक दिन के लिए, तो हो जाएगा भैया। 10 की हरी मिर्च 10 का लहसुन और 10 का धनिया ले। ज्यादा मोटी नहीं हुई है हरी मिर्ची वाली? गाइस अभी आ गए हैं भाई के पास फ्री का चाप पेलने, तो हाय बोल दो भाई। हाय भाई, बाय भाई। देखिए चाप ऐसे डाल रहे हैं कि मजा ही आ जाएगा आज तो। भैया कितने का देते हो? हमें तो फ्री में मिल रहा है, क्या होता है? क्या कर रहा हूँ गाइस, पैसे ले गए आराम से। देख रहे हो सकल, पैसे दे चुका हूँ मैं भाई, दे चुका हूँ। ये भैया भी आए तो कैसा लग रहा है भैया आपको ये? भाई बढ़िया है, बढ़िया है भैया। ये क्या सफेद सफेद डलवाए हो भैया? छोटा लाओ भैया, थैंक यू भैया। सर कैसा लगा आपको? सर अभी तो टेस्ट तो करने दो सर, छोटे बच्चे दांत चाटते हुए। तो गाइस घर पे आ गया था मैं बहुत देर पहले, और
अभी सोने जा रहा हूँ डायरेक्ट, अभी दूध पीऊंगा और सो जाऊंगा। देखो यहाँ पर सोऊंगा मैं, बाहर मस्त हवा चल रही है, तो यहाँ पर मम्मी पापा और हम सब बारिश हो रहे हैं। तो गाइस देखो मैंने कुछ ऐसा यहाँ पर अपना वो गद्दा जो था जिसपे मैं सोता हूँ उसको मैं बाहर रख लिया। और ये देखो मेरे बिस्किट और ईयरपॉड्स, इसमें तो लाइट जलती है, और ये ओरियो दूध। तो फटाफट पी के सोते हैं एंड आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बाकी कर ही देना, और मिलेंगे एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय, शेयर वेयर कर देना ठीक है, कमेंट जरूर कर देना।